स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे मॉनसून सत्र में संसद में पास होने वाले 32 बिल्स के बारे में। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो गया है और ये सत्र 12 अगस्त तक समाप्त होने की संभावना है। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार अपनी कई एजेंडा और बिल्स को पास कराने में जोर देगी। उनके इस एजेंडे में 32 बिल शामिल हैं जिनमें की 14 तैयार हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो करेंसी के प्रभाव को कम करने पर विचार कर रही है ताकि राजकीय कोष का संतुलन बना रहे। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव भी 18 जुलाई को था, चूंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी साल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। राष्ट्रपति के इस चुनाव में लगभग 4800 सांसद और विधायकों ने 18 जुलाई को अपना अपना वोट दिया था ताकि देश के 15वें राष्ट्रपति का चयन हो सके। हालांकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी, जबकि अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, 18 जुलाई को लोकसभा की प्रोसीडिंग्स कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई और अग्निपथ स्कीम को लेकर हल्ला बोल रहा था। हालांकि लगभग दोपहर के 2 बजे के करीब ये प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू की गई थी। मॉनसून सत्र में पास होने वाले बिल्स की सूची में शामिल हैं कैंटोनमेंट बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब बिल्स। इसके अलावा 2 अतिरिक्त बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर हैं, जिसमें तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची को दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। द माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल, द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस बिल 2022, द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2022, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, द एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल, The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Amendment Bill, The National Anti-Doping Bill इत्यादि। इसके अलावा कुछ पेंडिंग बिल्स भी हैं जिन्हें केंद्र सरकार जल्द ही लागू करेगी। पेंडिंग बिल्स की सूची में शामिल है द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022, द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल 2019। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले 17 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि हर साल मॉनसून सत्र होने से पहले सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है जिसमें सरकार अपनी बिल और एजेंडे को लेकर चर्चा करती है। 6 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होंगे, इसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था। इस चुनाव को जीतने के साथ ही विजेता वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को रिप्लेस कर देंगे। आपको बता दें, 16 जुलाई 2022 को बीजेपी ने जगदीप धनखर, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया था। इसके जवाब में 17 जुलाई 2022 को यूपीए ने मार्गरेट अलवा को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।